नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, तेजस्वी यादव यहां पर योगी आदित्यनाथ की तुलना। बता दें आपको, कोरिया के तानाशाह नॉर्थ कोरिया के किम जोंग से करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी ने बड़ा पलटवार किया है। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव को छोड़िए, उनके पिताजी को मोहम्मद लालू प्रसाद यादव करार दिया है। और इसके बाद ही तेजस्वी यादव बुरी तरीके से बौखला गए। उन्होंने बोला, प्रधानमंत्री को क्या जरूरत है, अकेले मैंने मोर्चा संभाला है, 200 से ज्यादा जनसभाएं मैंने कर दी है, और प्रधानमंत्री 15-15 बार बिहार उतर रहे हैं, मैंने तो अकेले मोर्चा संभाल लिया। बता दें आपको, प्रधानमंत्री पूरे चुनावी रैली में स्वस्थ होकर जनसभा को संबोधित कर करीब इस बार 80 इंटरव्यू प्रधानमंत्री ने दिए हैं। और प्रधानमंत्री ने इस बार अपने 2019 का भी रिकॉर्ड चुनावी जनसभा और रैलियों को करने का तोड़ दिया है। और इसी बीच सीएम योगी ने भी अपनी रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ा है। बता दें आपको, सीएम योगी की चुनावी रैलियों के रिकॉर्ड को माने दर्शकों, 65 दिनों में सीएम योगी ने 204 कार्यक्रम किए हैं, जहां 65 दिनों में ताबड़तोड़ रैलियां शामिल है। और प्रधानमंत्री की तरह सीएम योगी भी सबसे फायर ब्रांड नेता बीजेपी के अभी प्रधानमंत्री के बाद नजर आ रहे हैं। 169 जनसभा, 13 रोड शो सीएम योगी का पूरे प्रदेश में और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भी, और 15 प्रबुद्ध सम्मेलन। तो आप देख रहे हैं कितनी मेहनत इन नेताओं ने की। और वही आपने देखा होगा, तेजस्वी यादव कुछ ही जनसभा करके व्हीलचेयर पर आ गए। तो अंतर देखिए, इधर बातचीत करें तो मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस और आरजेडी का जो गठबंधन चुनावी गठबंधन किया है, इनके लिए सत्ता किसके लिए चाहिए? क्या ये देश के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए लड़ेंगे क्या? नहीं, ये अपने परिवार के लिए काम करेंगे, अपने परिवार का पेट भरेंगे। ये चुनाव मोदी जी के लिए, रविशंकर प्रसाद जी के लिए चुनाव, देश के लिए चुनाव है, देश के निर्माण के लिए है, आपकी पीढ़ी को बनाने के लिए है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने का चुनाव है। और कांग्रेस और आरजेडी के लिए चुनाव अपने परिवार के लिए है। याद करिए, देश में जब भी संकट आता है, भाई बहन की जोड़ी तो देश छोड़ करके चली जाती है ना। कोरोना कालखंड में क्या इन भाई बहन की जोड़ी को आपने देखा था क्या? देखा था क्या आपने आरजेडी के नेताओं को सड़क पे देखा था क्या? सेवाई संगठन है यह काम, केवल भाजपा के लोग कर रहे थे, आरएसएस के लोग कर रहे थे, बाकी किसी का पता नहीं था। जनता जनार्दन की सेवा कर रहे थे, अपनी जान को ताव पे लगा के काम कर रहे थे। और उत्तर प्रदेश में जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने इसी इंडिया गठबंधन का वह पार्ट है, जब वहां के पानी के कनेक्शन और उनके राशन कार्ड बंद किए, उनको वहां से जबरन निकालने का काम किया, तो मैंने तो 14,000 बसेस लगाई। लोगों ने कहा, अरे बिहार के, अरे हमने कहा बिहार क्या बात करते हो भाई, हमारे देश का नागरिक है और मां सीता की, मां जानकी की माई के लोग हैं, मेरे मेहमान हैं, मैं तो उनकी सेवा करूंगा, सेवा करूंगा। उत्तर प्रदेश में जब तक जितने दिन रहना चाहेंगे उनकी सेवा होगी, उनके लिए खाने पाने की व्यवस्था करूंगा, उनके उपचार की व्यवस्था करूंगा, उनके लिए हर प्रकार की सुविधा दूंगा, कोई भी उसमें उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। बहनों और भाइयों, ये जो आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन है, कांग्रेस ने पहले देश को बांटा, फिर भाषा और क्षेत्र के आधार पर देश को आपस में बांटने का काम किया, और अब जाति के नाम पर ये लुढ़ाना चाहते हैं। क्या करेंगे, जाति के नाम पर पहले अलग अलग जातियों को, उनके लिए अलग अलग उनको बनाएंगे, फिर इनको लड़ाएंगे, और फिर कहेंगे कि भाई आप लोगों में तो आपस में बहुत ज्यादा झगड़ा है, पहले अपने झगड़े को आप फरिया लीजिए, तब तक आपका आरक्षण हम लोग मुसलमानों को दे देते हैं। इनका घोषणा पत्र तो यही कहता है। आज आप इनके घोषणा पत्र को देखो तो इनका घोषणा पत्र क्या कहता है, इतनी खतरनाक बात कहता है। कहता है कि अगर कांग्रेस और आरजेडी की सरकार बनेगी तो मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे। बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था,
धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। भारत की संविधान सभा में इसका विरोध हुआ था। आरक्षण का आधार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति को ही आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी के आहार का तो सात्विक आहार वो ग्रहण करते हैं, आध्यात्म से जुड़े हैं, जहां प्रधानमंत्री सभी लास्ट चरण के पहले चुनावी प्रचार जब थमा तो पहुंच गए कन्याकुमारी और आध्यात्म की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं स्वामी विवेकानंद मेमोरियल में। वहीं आपको बता दें सीएम योगी जमकर दहाड़ते दो दिन पहले पटना में नजर आए थे। पटना में सीएम योगी ने इन सभी को परिवारवादी पार्टियां कहा था और कहा था लूट कर ले गए बिहार को और उत्तर प्रदेश जैसे विकास की गाथा लिख रहा है। कौन नहीं है, हम लोग तो दूरदर्शन से ही रामायण देखते रहे। हमारे घर में राम है, हमारे घर में मंदिर है, लेकिन राम राज्य के लिए बेहतर बेरोजगारी को दूर करना है, महंगाई को दूर करना है, गरीबी दूर करनी है और राम का नाम लेने से नहीं चलेगा, राम के आदर्शों पर चलने का काम करना पड़ेगा। आपको क्या बताएं, इस तरह की बातें कर रहे हो। 5 लाख नौकरी दिए है, एक वो लड़का ढूंढ के या एक वो कोई युवती को लेके आए जिसको जिसका जमीन हमने लिखवाया। 5 लाख नौकरी मिला ना भाई, नहीं है तो चुप रहे बेहतर होगा, नहीं तो हम बोलेंगे तो फिर तो अलग ही बात हो जाएगी ना। चलिए, भाजपा की सरकार एक बार फिर से बिहार में आती है तो हम इतिहास रचेंगे। तो देखिए सीएम योगी जहां जहां पहुंच रहे हैं ये जाहिर सी बात है विपक्ष को दिक्कत हो रही है। बीजेपी का कोई और नेता आ जाए तो उतनी दिक्कत नहीं होगी, मध्य प्रदेश के सीएम आ जाए चाहे राजस्थान की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन सीएम योगी आते तो दिक्कत हो जाती है क्योंकि उनके भाषण उनके ऐसे दमदार रहते हैं। बता दें आपको यहां पर देखिए तेजस्वी क्या कह रहे हैं। तेजस्वी ने कहा अब व्लादिमीर पुतिन को भी बुला लीजिए, अमेरिका से बाइडेन को भी बुला लीजिए, 15-15 बार तो मोदी जी आ गए हैं, और किम जोंग को बुला लीजिए, वैसे भी योगी आदित्यनाथ उनके जैसे ही तो हैं। इसी पर चिराग पासवान लोजपा के अध्यक्ष यहां पर पलटवार करते नजर आए, हाजीपुर सीट से लड़ाई कर रहे हैं और चिराग पासवान की मंत्री का प्यार चिराग पासवान के लिए आजकल बहुत ज्यादा उमड़ रहा है। आपने देखा होगा चिराग पासवान को उन्होंने बहुत सम्मान दिया, गले लगाया, चिराग कहा कि ये मेरा भाई है, बेटा है। तो देखिए इस बार चिराग पासवान का बिहार में बिल्कुल दबदबा नजर आ रहा है और जमीनी स्तर पर बात करें तो एक बहुत अच्छे नेता है चिराग पासवान। आप उनसे अगर मिलेंगे बातचीत करेंगे तो एक बहुत ही अच्छे नेता प्रधानमंत्री की यहां पर नेतृत्व में चिराग पासवान नजर आ रहे हैं। हस्ता से आपको बता दें चिराग पासवान ने पलटवार किया, उन्होंने बोला इनकी तो आदत है बोलने की सीएम योगी जैसा कोई नहीं और जान दीजिए बोल दीजिए कोई बात नहीं। पिछले 2.5-3 महीने राजनीति के क्षेत्र से जुड़ा हूँ, चुनाव प्रचार के की व्यस्तता काफ़ी ज़्यादा रही, पर ऐसे में क्योंकि मैं रामलला प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में मुझे आने का मौका सौभाग्य मुझे मिला था और तभी से मेरे मन में ये इच्छा थी कि अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आऊँ, अपनी माँ के साथ, बहन के साथ, भांजे भांजी, जीजा जी, पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आकर प्रभु श्री राम के दर्शन करें, उनका आशीर्वाद लें। कल जैसे ही चुनाव प्रचार समाप्त हुआ पूरा परिवार हम लोग यहाँ अयोध्या आए, प्रभु श्री राम के दर्शन किए, यहाँ हनुमानगढ़ी में आके बजरंग बली जी का आशीर्वाद हम लोगों ने लिया। जितनी भी जो कुछ भी आज हम लोग हैं इन्हीं के आशीर्वाद से हैं और बस ये आशीर्वाद सदैव बना रहे इसी भाव के साथ यहाँ पर आए। क्या लगता है इंडिया गठबंधन कह रहा है तुम्हारी सरकार बड़ी बहुमत आ रही है, मोदी जी को कहा जा रहा है? ये जिस तरीके से मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश में चौमुखी, और ये कहने के लिए नहीं ईमानदारी की बात है, चौमुखी विकास उन्होंने किया है, जहां गांव में रह रही महिलाओं के सम्मान की, स्वास्थ्य की चिंता कर कर योजनाएं बनाई गई, एक गरीब परिवार बीमारी से कोई कठिनाई ना हो आयुष्मान की योजना बनाई गई, दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना जिसके तहत 81 करोड़ लोगों को आज मुफ्त में अनाज मिल रहा है, ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं जहां पे एक गरीब परिवार को सकारात्मक तरीके से हर व्यक्ति को प्रभावित
कहीं ना कहीं हुए हैं इससे। ऐसे में जहां प्रधानमंत्री जी ने देश की अर्थव्यवस्था का ध्यान रखा, गांव शहर की दूरी को कम करने का प्रयास किया, वहीं हर व्यक्ति के आस्था को भी उन्होंने सम्मान देने का काम किया। 500 साल से रामलला इसी तरीके से टेंट में विराजमान थे, धूप गर्मी धूल मिट्टी आंधी तूफान बरसात बारिश में। पहली बार देश में एक प्रधानमंत्री आए जिन्होंने उनको भव्य राम मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाने का काम किया। ऐसे में करोड़ों राम भक्त का साथ क्यों नहीं मेरे प्रधानमंत्री के साथ होगा। ऐसे में जो लोग सनातन को समाप्त करने की सोच रखते हैं, जो लोग शक्ति के विनाश की सोच रखते हैं, मुझे नहीं लगता कि देश की जनता कतई। सम्राट चौधरी भी इसी तरह भड़के और कहा कि इन लोगों की आदत है तेजस्वी के पास कुछ बचा नहीं है तो ऐसे बोलते नजर आ रहे हैं। तो देखिए तानाशाही से सीएम योगी की तुलना और कह रहे हैं उनके जैसे तो है लगते हैं, तो इसी वजह से। और यहां पर चिराग पासवान और तमाम नेताओं ने पलटवार करते कहा है कि दिल्ली में तो राम भक्त ही राज करेंगे, ना कि तालिबानी सरकार चलाया जाएगा। तो देखिए यहां पर तेजस्वी यादव अभी अपने आरजेडी का मोर्चा संभाले हुए हैं। नीतीश कुमार ने जब से पलटवार किया था, पलटी मारी थी, तो नीतीश के बाद अकेले पड़ते दिखाई दिए। हालांकि नीतीश को हमेशा बोलते हैं कि पलटू राम तो हैं ही, लेकिन चलिए पिता के दोस्त तो सम्मान करता हूं। इसी तरीके से लालू प्रसाद यादव को मोहम्मद लालू प्रसाद कह दिया सम्राट चौधरी ने, पूरे आरजेडी को मिर्ची लग गई। तेजस्वी यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी और को भी बुला ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किम जोंग को बुला ले। 15 बार मोदी जी बिहार आ रहे हैं, मोदी जी के पास और कुछ काम नहीं बचा क्या? जबकि देखिए यहां पर नेता तो चुनावी प्रचार ही करेंगे, पीएम मोदी हो चाहे आप हो, कह रहे हैं मोदी जी कहीं और भी जा सकते थे, बिहार ही 15-15 बार आना पड़ रहा है, यानी कि काम नहीं किया। नीतीश कुमार ने कहा हम अकेले 15-15 बार मोदी जी के आने की तुलना में अकेले काम कर रहे हैं, और मैंने तो सारे जनसभाओं को और रैलियों को अकेले संभाला है, और मैंने पूरी बिहार की जनता का दिल लूटा है, और इस बार बिहार की जनता रोजगार मांग रही है, तेजस्वी यादव रोजगार देंगे। कह रहे तेजस्वी यादव अपने मुंह से कि मैं रोजगार दूंगा, युवा मेरे साथ है, और आप देखिएगा बिहार की सीटों पर तो इन लोगों को हम परास्त करेंगे। तो आपने ये खींचतान देख ली, चिराग पासवान सम्राट चौधरी सबके पलटवार को। अब आपकी क्या राय है, नॉर्थ कोरिया से जे किम जोंग की तुलना सीएम योगी की करने की क्या जरूरत थी? जरूर अपने राय आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया आपका।